हेलो बच्चों, कैसे आप सब? आई होप सब अच्छे बढ़िया हैं। तो आज हमारे पास जो क्वेश्चन अवेलेबल है डिबेंचर्स का है, जो क्वेश्चन आपके ये दिया हुआ है आपके सीबीएसई सैम्पल पेपर 2022-23 में 6 मार्क्स का ये क्वेश्चन उसमें गिवन है। ये 6 मार्क्स किस बेसिस पे है कि आपको 3 चीज़ की रिक्वायरमेंट है इसमें, ए बी सी, 3 चीज़ आपको बनाना है। इस क्वेश्चन को आप समझो, मैं कॉन्सेप्ट भी बताऊँगा और क्वेश्चन आपको करवाऊँगा भी। तो अगर आपका कोई कॉन्सेप्ट डिबेंचर्स में रह भी गया है तो आपका वो कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो जाएगा इस क्वेश्चन के साथ। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिए। तो चलिए समझते हैं, पहले आप समझ लेंगे फिर नोट डाउन जरूर करेंगे बातों को। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्पेस बना लूँ मैं, जो हमें यूज करना है। चलो देखो क्या है क्वेश्चन। हेल्थ टू वेल्थ लिमिटेड हैड शेयर कैपिटल ऑफ ₹80 लाख डिवाइडेड इन शेयर्स। यहाँ पर हो सकता है लाइट की वजह से नहीं दिख रहा होगा, तो मैंने क्या बोला, डिवाइडेड इन शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एंड 20,000 8% डिवेंचर्स ऑफ ₹100 ईच एज पार्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड। पहले तो ये लिखा हुआ है कि हेल्थ टू वेल्थ कंपनी के पास 80 लाख रुपए का शेयर कैपिटल रखा हुआ उनके पास। हर एक शेयर्स कितने का इसमें लिखा हुआ है, ₹100 का है, एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि उनके पास 20,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स है, 8% डिवेंचर्स। हर एक डिवेंचर्स कितने का है, ₹100 का। अभी तक कितनी बात लिखा, और ये लिखा हुआ है कि एज कैपिटल एम्प्लॉयड, मतलब कैपिटल के रूप में, पूंजी के रूप में उनके पास ये शेयर कैपिटल और ये टोटल इंटू दिस नंबर ऑफ डिवेंचर्स के रूप में पैसा है बिजनेस करने के लिए। ठीक है, द कंपनी नीड एडिशनल फंड्स ऑफ ₹55 लाख फॉर विच द, यहाँ दे होगा, दे डिसाइडेड टू इश्यू डिवेंचर्स इन सच ए वे दैट दे गॉट रिक्वायर्ड फंड्स आफ्टर इशूइंग डिवेंचर्स ऑफ द सेम क्लास एज अर्लियर। सेम क्लास एज अर्लियर का मतलब ये होता है नंबर ऑफ डिवेंचर्स जो कंपनी के पास पहले से है उसमें जो परसेंटेज मेंशनड है, 20,000 में डिवेंचर्स है या परसेंटेज कौन सा है, 8% है। तो सेम क्लास एज अर्लियर का मतलब बेसिकली क्या हो गया, जो पहले कंपनी के पास परसेंटेज ऑफ डिवेंचर है, परसेंटेज मतलब कौन सा परसेंट है, 8%, 9%, 10%, इसको बोलते हैं क्लास ऑफ डिवेंचर। यहाँ पे तो कंपनी अगेन 55 लाख रुपीज़ को फंड रेज करने के लिए जो डिवेंचर्स इशू करेगी वो भी कौन सा होगा, 8% वाला। ठीक है बात, इस दैट इज द मीनिंग ऑफ सेम क्लास एज अर्लियर, मतलब कंपनी अगेन जो इश्यू करी डिवेंचर्स वो 8% वाला ही है एट 10% प्रीमियम पे इशू कर रही है। तो देखो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या मिल गया कि 55 लाख का फंड मार्केट से रेज करेगी कंपनी बाय इशूइंग 8% डिवेंचर्स। ठीक, लेकिन 10% प्रीमियम पे कंपनी इशू करेगी डिवेंचर्स। और एक बात तो क्लियर है भाई कि टोटल फंड इतना रेज करना है मार्केट से डिवेंचर्स इशू करके और प्रीमियम 10% है। नंबर ऑफ डिवेंचर्स आपको गिवन नहीं है क्वेश्चन में, तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड करना है सबसे पहले। ठीक, कर लेंगे वो। फिर लिखा हुआ है दिस डिवेंचर्स वर टू बी रिडीम्ड एट 20% प्रीमियम आफ्टर 4 ईयर्स। इस 4 ईयर्स 5 ईयर्स से घबराना मत, समझना इस चीज़ को भाई। 20% प्रीमियम पर कंपनी इस डिवेंचर्स को रिडीम भी करेगी। ठीक, दिस डिवेंचर्स वर इशूड ऑन 1st October 2021। ठीक है, यू आर रिक्वायर्ड टू पास जनरल पास एंट्रीज फॉर इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट एज्यूमिंग। ठीक है, अभी मैं इसको आगे पढ़ूंगा। सबसे पहला काम करते हैं ए नंबर कि एंट्रीज पास करते हैं डिवेंचर इशू करने का। तो देखो सबसे पहले मैंने बोला सॉरी गले में खराश की वजह से थोड़ा सी परेशानी है, तो मैंने बोला सबसे पहले नंबर ऑफ डिवेंचर्स आप फाइंड कीजिए अपने पास। सबसे सिंपल तरीका आपके पास ये कि जितना फंड रेज करना है उसको ऊपर लिख लो, कितना फंड रेज करना है 55 लाख, तो आप 55 लाख को यहाँ पर ऊपर लिखिए 55 लाख। कंपनी डिवेंचर्स इशू कर रही है वो 10% प्रीमियम पे कर रही है, और लिखा हुआ भी है क्वेश्चन में हर एक डिवेंचर कितने का होगा। अच्छा, ये मेंशन नहीं है क्वेश्चन में कहीं भी कि कंपनी 55 लाख का, लेकिन एक बात समझ में आ रहा है सेम क्लास का मतलब
तो 8% डिवेंचर्स तो हो गए होगा, लेकिन ये बात समझ में आ रही है, कंपनी ने पहले ही हर एक डिवेंचर्स 100 पे इशू कर रखे हैं, जिसकी वजह से कंपनी पर ये फंड है डिवेंचर्स का। तो आप एज्यूम करके चलना होगा कि अगेन जो कंपनी डिवेंचर इशू कर रही है वो 100 का कर रही है, लेकिन प्रीमियम भी ले रही है 10%। तो 100 रुपये का 10% होगा 10 रुपया। तो नंबर ऑफ डिवेंचर्स फाइंड करने के लिए हमेशा ध्यान रखना है कि अगर 100 रुपये का फेस वैल्यू डिवेंचर्स का, अगर इस पे प्रीमियम ले रही कंपनी, तो अगर 10% ले रही है तो 100 रुपये का 10%, 10 रुपया को उसको ऐड करो और इस नंबर से 110 रुपये से डिवाइड देना पड़ेगा टोटल फंड को, ठीक है ना। तो कितना आ जाएगा, 55,11,10। ये चला गया, ये चला गया, 5 टाइम्स ये कटेगा, तो 5, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 50,000 नंबर ऑफ डिवेंचर्स आ गए। अब हमें एंट्री पास करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाला, तो आइए एंट्रीज पास करते हैं। सबसे पहला बैंक अकाउंट डेबिट टू 8% डिवेंचर्स एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट। टोटल रुपीज़ जो कंपनी के पास फंड आएगा वो तो आएगा 55 लाख, तो बैंक में इतना रुपया तो फंड आना ही है, तो आप लिख दीजिए 55 लाख, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री, इसके बाद नेक्स्ट एंट्री क्या होगा, 8% डिवेंचर एप्लीकेशन एंड, मैंने एप्लीकेशन में छोटा एक ऐप लिख दिया, आप पूरा एप्लीकेशन लिखेंगे, एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट। और हमारे पास क्या था, अच्छा कंपनी जो रिडीम करेगी 20% प्रीमियम पे करेगी, इसको भी समझा देता हूँ। 100 रुपये का डिवेंचर कंपनी बोलती है कि 10% प्रीमियम पे हम इशू करेंगे, तो कंपनी लेगी कितना, 100 रुपये के बदले 110। कंपनी रिडीम करेगी प्रीमियम पे, तो रिडीम जो करेगी प्रीमियम पे 20% पे, तो ये रिडम्पशन का 20% निकलेगा ओरिजिनल वैल्यू पे, तो ये कितना है, 100 रुपये, 100 का 20%, 20 रुपया, तो कंपनी वापस करेगी 120 रुपया। 100 रुपये के बदले 110 ले रही है, बट वापस करे टाइम पे 100 रुपये के बदले 120 वापस करेगी, तो कंपनी को 20 रुपये का हर एक डिवेंचर पे लॉस है। तो यहाँ लिखना होगा, डैट मीन्स लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ठीक है, टू 8% डिवेंचर्स। क्वेश्चन में प्रीमियम भी है, तो प्रीमियम तो आना ही आना है, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, आप यहाँ रिजर्व भी लिखी दो, इसको क्यों छोड़ना, टू सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट। देखो 8% डिबेंचर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में तो सिर्फ ये अमाउंट डायरेक्टली चले जाएगा आपका 55 लाख रुपया, ठीक। इस 55 लाख रुपये में 5 लाख रुपये प्रीमियम का है, कैसे, 50,000 डिबेंचर्स पे 10 रुपये प्रीमियम, तो 5 लाख होगा प्रीमियम का, तो 5 लाख प्रीमियम के आगे चले जाएगा। तो ये डिबेंचर्स का ये कितना आएगा, 55 में 5 तो आपका प्रीमियम का हो गया पैसा, यानी कि 50 लाख रुपये का डिवेंचर हो गया। डैट मीन्स कंपनी ने जो 55 लाख रुपये लिए हैं एक्चुअल में, उसमें 50 लाख रुपये का डिवेंचर्स दिया है, बाकी 5 लाख रुपये कंपनी के पास प्रीमियम के नाम का आया है, ठीक है बात। अब ये निकाल लो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, कैसे निकलेगा लॉस, कंपनी ने टोटल डिवेंचर जो इश्यू की वो 50,000 और हर एक डिवेंचर पर कंपनी देगी 20 रुपये ज़्यादा, तो लॉस कितना हो गया, 10 लाख। प्रूडेंस कंसेप्ट के बेसिस पे कंपनी जो बाद में लॉस बियर करने वाली उसका एंट्री पहले ही कर देती है, इसलिए ये एंट्री पहले ही इश्यू के टाइम पे हो रहा है। कितने रुपये आ जाएंगे फंड यहाँ पे, फंड मतलब यहाँ का लॉस कितना आ जाएगा, इसको करोगे तो 10 लाख आ जाएगा, तो 10 लाख का लॉस, इसी को हम यहाँ लिखते हैं प्रीमियम भी। प्रीमियम किस चीज़ का, रिडेम्पशन के टाइम पर, जो कंपनी के लिए नुकसान है, लॉस है। तो चेक करो टोटल डेबिट कितना हो गया आपके पास, एक तो ये एंट्री सेपरेट हो गया, ये हो गया 65 लाख, ये भी हो गया आपका 65 लाख, ख़त्म। तो देखो एक चीज़, अब नेक्स्ट जो पॉइंट है इसको बहुत ध्यान से देखना, क्या लिखा हुआ है, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर्स अकाउंट एज्यूमिंग दैट देयर वाज एग्जिस्टिंग बैलेंस ऑफ सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट ऑफ रुपीज 280। कंपनी के पास पहले से ही प्रीमियम में 280 पड़ा हुआ है, कितना पड़ा हुआ है, 2,80,000, और कंपनी के पास अभी भी
डिबेंचर्स इश्यू करके कितने प्रीमियम आए बैलेंस 5 लाख रुपया। तो आज के दिन जिस दिन कंपनी इस डिबेंचर्स को इश्यू कर रही है उस दिन टोटल सिक्योरिटीज प्रीमियम का रिजर्व का बैलेंस कितना हो गया कंपनी के पास, ये हो गया 7,80,000 हो गया। ठीक है, हमें बनाना है लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का लेजर। तो मैं क्या करता हूँ, इस स्पेस को मैं यूज कर रहा हूँ, इरेज कर रहा हूँ, तो आप वीडियो पॉज करके इसको नोट डाउन कर लेंगे। ठीक है, चलो मैं इसे भी इरेज कर देता हूँ क्योंकि ये हमारा काम हो गया है, बाकी रिक्वायरमेंट तो वहाँ पर है ना, और बाकी हमने इसको काम, ये तो काम हो ही गया, एक डेट का ये हमारे पास काम है, तो इसको भी मैं इरेज कर देता हूँ फिलहाल के लिए। तो चलो लेजर बनाते हैं। किस चीज़ का लेजर बोला है कंपनी ने, प्रिपेयर लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स। तो लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट का लेजर बन जाएगा भाई। देखो फॉर्मेट आप फॉलो कर लेना, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट, डेट पार्टिकुलर्स अमाउंट। देखो एक चीज़ बताता हूँ, इस एंट्री के हिसाब से एक बात बताओ मुझे, ये जो लॉस लिखा हुआ 10 लाख का, ये क्या डेबिट? तो इसके रिस्पेक्ट में 10 लाख का क्रेडिट भी होना चाहिए ना। तो आप अगर इस एंट्री को सेपरेट करो, यहाँ पर अगर लिखो सपोज, तो आप बोलोगे लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट 10 लाख टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स 10 लाख। मतलब एंट्री क्या बन रहा है आपका, लॉस टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन। तो लॉस टू प्रीमियम, तो प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन मैं शॉर्टकट में लिख दिया हूँ इस चीज़ को, चलो पूरा ही लिख देते हैं, शॉर्टकट में क्यों लिखना है इस चीज़ को, यहाँ लिखो टू प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। ठीक है, अमाउंट कितना चाहिए अपने को, मतलब कितना अमाउंट है अपने पास, वो 10 लाख का है, तो लिखो 10 लाख। अब ये जो लॉस का लेजर बना रहे हैं, इस लॉस को हम राइट ऑफ कैसे करते हैं, सबसे पहले प्रीमियम का पैसा यूज करते हैं, अगर उसमें भी पूर्ति नहीं हो रही है तो कंपनी के जो स्टेटमेंट ऑफ पी एल में बैलेंस पड़ा उसमें से यूज करेंगे। तो मैंने बताया था अभी टोटल बैलेंस कंपनी के पास कितना है प्रीमियम का, 7,80,000। तो आप यहाँ लिखिए बाय सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व 7,80,000। ठीक है, उसके बाद 10 में से 7,80,000 यहाँ यूज हो गया, तो कंपनी के पास जो पहले से प्रॉफिट लॉस में होगा बैलेंस उसको यूज कर लेंगे। तो कितने की ज़रूरत है, 10 लाख में से 7,80,000 यूज हो गया, तो रिक्वायरमेंट है 2,20,000 रुपये की ओर। तो बाय स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट कितना, 2,20,000। तो ये होगा टोटल आपका 10 लाख, ये टोटल हो गया आपका। एक मिनट चेक कर लो ये कवर हो रहा है कि नहीं आपके स्क्रीन पे, ये कवर हो रहा है। ठीक है, इसके रिस्पेक्ट में ये जो लेजर बना है, इसके रिस्पेक्ट में पहले एक एंट्री में और बता देता हूँ तो आपको और क्लियर हो जाएगा एक बार। तो सपोज मैंने ये एंट्री के लिए यूज़ किया है एरिया। ठीक है, देखो ये जो भी लॉसेस है उसको तो ख़त्म करना है, तो सिक्योरिटीज प्रीमियम रिजर्व का बैलेंस टोटल कितना यूज होगा, 7,80,000 हो जाएगा। पीएल का बैलेंस, स्टेटमेंट ऑफ पीएल का बैलेंस कितना जरूरत पड़ेगा, 10 लाख में 7,80,000 वहाँ से ले गए हम यूज़ कर लिए, तो 2 बिल्स की और ज़रूरत है यहाँ पे। तो क्या लिख देंगे, टू लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिबेंचर्स, आप लिख दोगे और लिख दोगे यहाँ 10 लाख रुपीज़ से, ये लिखोगे ना। तो देखो लॉस का लेजर यहाँ पे, तो दिस डेबिट टू क्रेडिट, अगर मैं इसकी लेजर यहाँ बना रहा हूँ तो ये दोनों कहाँ जाएगा, क्रेडिट साइड, डेट बिल्स, वही चीज़ देखो यहाँ पे 7,80,000 ट्रांसफर हुआ, 2 बिल्स यहाँ। तो मैंने दोनों चीज़ समझा दिया कि एंट्री से लेजर कैसे बनता है, जो कि आप 11 में भी पढ़ रखे हैं। चलो फिर भी मैंने सोच रहा हूँ कि किसी बच्चे को अगर प्रॉब्लम रहा होगा तो वो और क्लियर उसके लिए हो जाएगा, इसलिए मैंने इस चीज़ को भी बता दिया। ठीक है, तो एंट्रीज हो गया, लेजर हो गया, अब क्या बचा हमारे पास, पास एंट्रीज फॉर इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स ऑन 31st March 2022, एज्यूमिंग इंटरेस्ट इज पेबल ऑन 30th September एंड 31st March एवरी ईयर। तो चलो इसको इरेज करके इसको भी समझा दो। अगेन मैं बोल देता हूँ इस बात को, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बढ़िया प्यारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन से आप 2-3 बात समझ पा रहे हैं, इंटरेस्ट के बारे में भी, नंबर ऑफ डिबेंचर्स कैसे फाइन करना है ना,
अगर लॉस वगैरह है तो उसको राइट ऑफ करने का क्या तरीका है, एंट्री क्या होगा, लेजर कैसे बनेगा, तो बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है ये आपके लिए। देखो क्वेश्चन में क्या था कि 55 लाख का जो फंड रेज कर रही कंपनी मार्केट से, वो कर रही है 1 अक्टूबर 2021 को, तो 1 अक्टूबर 2021 को, और कंपनी बोलती है भाई कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के लिए एंट्री बताओ किस डेट के लिए, 31 मार्च 2022 के लिए, तो 31 मार्च 2022। अगर हम चेक करें, अगर मुझे यहाँ से यहाँ पहुँचना है तो कितना मंथ्स हो रहा है, 1st of October से अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 मंथ्स, ठीक है, 6 मंथ्स। कंपनी का कहना हर साल सितंबर और मार्च में डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट पेबल है, कंपनी पे करेगी, बट सितंबर तो निकल चुका होगा, सितंबर निकलने के बाद ही, जिस दिन सितंबर ख़त्म हुआ उसके बाद ही कंपनी ने डिवेंचर इशू किया है, डैट मीन्स, और कंपनी ने बोला इस डेट के लिए, किस डेट के लिए, उसी डेट के लिए ना, तो साफ साफ लिखा पास एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स ऑन 31st मार्च, 31st मार्च को इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स की एंट्री पास करके दिखाओ, तो भाई डिवेंचर यहाँ इशू किया है, यहाँ के लिए एंट्री पास करना है, डेट मीन 6 महीने का ही डिवेंचर्स पे इंटरेस्ट हमें लगेगा, क्योंकि लोन हमने इस दिन को लिया डिवेंचर्स इशू करके, और इंटरेस्ट की एंट्री इस दिन पास करना है, तो 6 महीने का ब्याज लगेगा, और ब्याज हमेशा किस चीज़ पे निकलता है, जो एक्चुअल वैल्यू ऑफ डिवेंचर्स होता है जो कंपनी ने मार्केट में इशू किया है। तो कंपनी ने देखो जो डिबेंचर्स इशू किया था 8%, यहाँ लिखा था मैंने, आप वीडियो बैक करके देख लेना, 50 लाख का था, बाकी तो 5 लाख प्रीमियम था, तो 50 लाख रुपए पे 8%, ये 8% का अब काम आ गया, ये इंटरेस्ट का रेट दिया होगा कि इंटरेस्ट अगर निकालना तो 8% या 9% जो भी दिया होगा, बट 6 मंथ्स के लिए ओनली, तो 6/12, तो ये 2 जीरो गया, ये 2 जीरो चला गया, ये 2 टाइम्स में 6 मंथ 6/12 चला गया, 4 चला गया, तो कितना आ गया, 5 × 20, 1 2 3 4, 1 2 3 4, तो कंपनी को जो इंटरेस्ट पे करना है वो टोटल 2 लाख पे करने, तो चलो पहले ड्यू कर लेंगे फिर पे कर देंगे, तो क्या लिख दो आप, इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, ड्यू कर रहे हैं ना, ये ड्यू का एंट्री है कि डिवेंचर होल्डर्स को पेमेंट किया जाएगा टू डिवेंचर होल्डर्स, टू डिवेंचर होल्डर्स कितना भाई पे करना है, 2 लाख का अमाउंट, पेमेंट का डेट को क्या करेंगे, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट, डिवेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 2 लाख, ठीक है। अब कंपनी में जो भी नुकसान वगैरह होता, जो भी इंटरेस्ट कंपनी को पे करना होता वो तो राइट ऑफ करेगी ना, तो पहले तो एक लॉस को राइट ऑफ कर दिया था हमने पहले, अब ये इंटरेस्ट का खर्चा भी कंपनी अपने पास राइट ऑफ करेगी, तो पता तो है नहीं कि अब प्रीमियम का बैलेंस वगैरह है, तो पीएल से यूज़ कर लेंगे, तो क्या लिख देंगे भाई, कितने का है, 2 लाख का ना, हाँ, स्टेटमेंट ऑफ पीएल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स 2 लाख, 2 लाख, है ना। इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को राइट ऑफ हमेशा करना है, कंपनी बोले चाहे नहीं बोले, क्योंकि कंपनी को खर्चा राइट ऑफ करना होता है, ये तो रूल है, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, है ना, इसको आप 2 बार देखो, जितने बार देखना है देखो, समझ में नहीं आ रहा है कुछ, इसमें डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, मैं फर्दर और भी डिस्कस कर दूंगा इनको, इन चीज़ों को, है ना। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, फर्दर कोई दिक्कत होता है तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और अच्छे क्वेश्चंस के साथ, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।